सेक्टर 3 के सभी रहवासियों को नमस्कार। आप लोगों ने एक ओपन सेशन, ओपन डिबेट रखा है, यहाँ पे अच्छा काम किया और सभी कैंडिडेट्स को बुला करके अपने सवाल और उनके जवाब और फिर आपका फैसला 21 तारीख को उसका निर्धार और निश्चय आप करने वाले हैं। दिस इज द साइन ऑफ ए मैच्योर डेमोक्रेसी। आई अप्रिशिएट दिस एंड जरूरी है कि जो चुनाव लड़ते हैं उनसे पूछा जाए कि आपका जाहिरनामा क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, आपने पहले क्या प्रॉमिस किया था और आप आगे इसे कैसे पूरा करने वाले हैं। और अगर आपका जाहिरनामा था, मैनिफेस्टो था और आपने अगर उसे पूरा नहीं किया तो क्यों नहीं। ये मैच्योर डेमोक्रेसी की एक सिस्टम है जो बहुत अच्छी है, जो मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से हर सोसाइटी में करना चाहिए, ना कि सिर्फ एजुकेटेड बल्कि अनएजुकेटेड। क्योंकि इस डेमोक्रेसी का जो गलत फायदा उठा करके लोग चुन करके आ जाते हैं, जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा होती है, स्लम्स के एरिए ज़्यादा होते हैं। आपके मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, 1000 फ्लैट्स हैं और 1000 जो स्लम्स में लोग रहते हैं तो फ्लैट से ज़्यादा वोटिंग स्लम्स वाले करते हैं, ये तो मानते हैं ना आप। 1000 सवाल आपके होते हैं मगर वोट आपके 200 गिरते हैं, अगर उनके 1000 वोट गिरते हैं सवाल कुछ नहीं होता। तो हम दुनिया के अंदर बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, छाती तान के हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है। अगर आपको पता है लोकसभा के अंदर 65 करोड़ हिंदुस्तानियों में से कितने लोगों ने वोट किया, 65 करोड़ वोटर्स में से मेरा मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ ऑफ वोटर्स में से सिर्फ 50% लोगों ने वोटिंग किया, ओनली 50%। दैट इज नॉट द साइन ऑफ मैच्योर डेमोक्रेसी। मैच्योर डेमोक्रेसी इज दैट 100% पीपल गो आउट एंड वोट। डिक्टेटरशिप में आपने हमने देखा पूरी दुनिया के अंदर, चाइना हो, कोरिया हो, मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज थी, 99.9% वोटिंग होती थी डिक्टेटर्स के। तो दैट इज नॉट, दैट वॉज नॉट ए डेमोक्रेसी। अब लोग कहते हैं कि EVM मशीन है, ये है, वो है, अमुक है, ढमुक है, पूरा देश उसके खिलाफ में बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, अगर बदलाव नहीं आ रहे। अब हंसी मजाक में मैं जाता हूँ लोगों के पास तो लोग गुस्से करते हैं, साहब हम वोट तो आपको देंगे मगर EVM का क्या करेंगे। तो मैं कहता हूँ EVM उसका उल्टा कीजिए, मुजफ्फर विनिंग इलेक्शन। हमेशा स्ट्रेस अच्छी बात नहीं है, आप लोग ग्राफिक क्लब में जाते हैं नहीं जाते हैं मुझे पता नहीं, मगर हंसने से सर्कुलेशन बढ़ता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कम होती है, कार्डियक प्रॉब्लम कम होती है और ऑर्गन्स अच्छे फंक्शन करते हैं। बेसिकली लाफिंग थेरेपी जो है इट इज पर्टेनिंग टू दैट। आई कम डायरेक्टली टू द पॉइंट एंड इशू। मेरा जाहिरनामा मैनिफेस्टो शायद आप लोग तक पहुँचा नहीं, आज पहुँच जाएगा। मैंने 5 साल में क्या किया, अगर मैं ये कहना चाहो तो मुझे 35 साल का इतिहास बताना पड़ेगा, 35 लॉन्ग ईयर्स। तो उसके लिए मैंने जाहिरनामा बनाया है और उसके अंदर हमने 35 साल में क्या किया ये हमने उसमें लिखा है। रास्ता, वाटर, गटर, मीटर, ये कोई रनिंग कॉमेंट्री वाले काम है, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो चीज़ें थी शहर का एक नक्शा बनाना ज़रूर होता है। आपकी हमारी औलाद होते हैं, बच्चे होते हैं तो हम उनका पहले भविष्य के बारे में सोचते हैं, कौन से प्ले स्कूल में जाएगा यहाँ से सोचते हैं, नर्सरी में सोचते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सोचते हैं, तो उसके बाद में उसकी शादी किस घराने में करनी है वो वहाँ तक के हम सोचते हैं, वो मकान कहाँ का लेकर के रहेगा, हमारे साथ रहेगा कि जो बीवी लाएगा वो उसको अलग लेके चले जाएगी, वी गो अप टू दैट एक्सटेंट टू थिंक, एम आई राइट और रॉन्ग। तो हमने इस शहर के बारे में प्लानिंग 1991 में किया, मैं प्लानिंग कमेटी में था, नगर सेवक था, पहली बार नगर सेवक बना आपके इस मीरा रोड में, जहाँ पे आप लोग 93-94 के बाद में आप लोग आए। 85 में मीरा रोड यूथ कांग्रेस का मैं प्रेसिडेंट बना, जब 11,000 इस शहर की खाली पॉपुलेशन थी। 91 में पहली बार मैं कॉर्पोरेटर बना, प्लानिंग कमेटी के अंदर था, इस शहर का पूरा डेवलपमेंट प्लान हमने बनाया, 386 रिजर्वेशन हमने करवाए,
जिसमें गार्डन, प्लेग्राउंड, स्कूल, स्मशान, कब्रिस्तान, बरेल ग्राउंड, लाइब्रेरी, मॉर्ग रूम, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, एसटीपी प्लांट, यू नेम द थिंग, कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, जुडिशरी, जुडिशरी अकेडमीज, एवरीथिंग. एंड आई हैड प्लान्ड इट दैट आई शुड हैव 40% रिजर्वेशन फॉर ऑल दिस यूटिलिटी सर्विसेज एंड रिजर्वेशन वर डन अकॉर्डिंगली. Now, over a period of time, after the plan got sanctioned from the government from 97, it was the first draft development plan which got sanctioned. In 2002, it got final sanction. Aur 2002 mein humne isko nagar parishad se mahanagar palika banayi. Tab Vilasrao Deshmukh mukhyamantri the, tab bhi main nagar sevak tha. Humne isko mahanagar palika banayi. Pehla upmahapaur main bana aur mahapaur Gilbert Mendonca ki wife bani. Aur humne fir iska jo draft development rules and regulations the, जो पहले नगर परिषद का था, म्युनिसिपल काउंसिल का था, उसको हमने चेंज करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बनाया. 7 माले की बिल्डिंग थी, उसको 21 माले तक एक परमिशन का बनाया. रोड की बिल्ड के ऊपर कितनी एफएसआई टीडीआर वगैरह होनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, एकोमोडेशन रिजर्वेशन में कोई रिजर्वेशन है, कोई प्लॉट का ओनर है तो उसको एकोमोडेशन रिजर्वेशन का रूल लाया ताकि वो रिजर्वेशन डेवलप हो और साथ में एकोमोडेशन रिजर्वेशन में जो ओनर है उसको कुछ परसेंटेज कमर्शियल यूटिलिटी का पर्पज है. इस तरह के रेगुलेशंस भी हमने बनाए और इस वजह से शहर के अंदर बहुत तेजी से आप देखोगे कि 2000 के बाद में शहर बहुत तेजी से बढ़ा हुआ. मैं जब नगर सेवक था उसी वक्त वहां उससे पहले भी यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रैक की रेलवे थी, सिर्फ 2 ट्रैक्स. काम करने के लिए आपको सत्ता ही होना चाहिए, मुझे ये जरूरी नहीं लगता. काम करने के लिए आपको भी बड़े पद पे ही बैठना चाहिए, आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी. काम करने के लिए आपका ध्येय क्लियर होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए. हमने 9 डब्बे की ट्रेन उस जमाने में, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग यहाँ मीरा रोड पे 89 से रहते हैं या 88 से रहते हैं, उनको पता होगा कि मीरा रोड पे सिर्फ 2 डब्बे की ट्रेन थी, आधे घंटे में ट्रेन चलती थी. हमने 2 डब्बे की अपना 2 ट्रैक को 4 ट्रैक किया, 9 को 12 डब्बे किया, 4 ट्रैक्स किए, स्टेशन बड़ा किया, स्टेशन का रिनोवेशन हमने किया, वो सब आप लोगों के सामने है. राजीव गांधी अस्पताल बनाया, इंदिरा गांधी ब्लड बैंक बनाया, 20,000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी बनाई जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं पूरे शहर के अंदर, मीरा भयंदर में. आई हैड ऑलवेज गिवन इंपॉर्टेंस टू हेल्थ एंड एजुकेशन. इफ यू रिफर टू डॉक्टर एपीजे कलाम्स 2020 बुक इन विच ही हैज वेरी क्लियरली मेंशन दैट इफ इंडिया हैज टू बी अ डेवलप्ड नेशन देयर आर 2 सेक्टर्स वी आर टू फोकस, दैट इज वन इज एजुकेशन एंड हेल्थ. एंड आई हैड केप्ट दैट थिंग इन माइंड एंड व्हाइल प्लानिंग द सिटी I had made those reservations and kept it in mind that my city should be called an educational hub. Educational hub. That is the reason you see Damia School, Royal School, NS School, whether it is 7-11 School or Kanakia School, any damn school in this city. That is the reason those schools are there. Agar wo reservations humne nahi banaya hota, wo schools nahi hoti. Hospitals ka reservation humne kiya, Bhakti Vedanta isme aapko nazar aata hai. Umrao iske liye nazar aata hai. Ye Indira Gandhi Hospital iske liye aapko nazar aata hai. भयंदर में टेम्बा हॉस्पिटल इसके लिए आपको नजर आता है. ये सारे रिजर्वेशन अगर नहीं किए होते तो ये काम नहीं होता. तो ट्रेन का जब हमने किया, कई आंदोलन की, 3 बार मैं जेल जा चुका हूँ, कितनों को पता है आपको, ट्रेन के आंदोलन, रेलों का आंदोलन किया और 9 डब्बे स्टार्ट किए, 9 से 12 किए, ये सारा चीज की. आज इस शहर के अंदर मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं आपको क्या लगता है, मगर मैं भी इसी रास्ते में से चल ट्रैवल करता हूँ, इसी शहर में रहता हूँ, मैं पैदा इसी शहर में हुआ हूँ और मेरी मृत्यु भी इसी शहर में होने वाली, इसी कब्रिस्तान में होने वाली है जहाँ मैंने कम्युनल हार्मनी का सिंबल बनाया. 2000 के अंदर जब ये प्लान हमारा फाइनल हुआ, इस मरतबा नगर परिषद की नगर पालिका के पास फंड नहीं था, चीफ ऑफिसर थे शिवमूर्ति नायक, उन्होंने मुझे बुलाया, अनिल सावंत को पता है, आज बीजेपी में जितने कॉर्पोरेटर गए वो सब कांग्रेस में थे, उनको भी पता है, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, उनको भी पता है. तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुजफ्फर भाई आपको ये मनसे के उम्मीदवार है, आपका स्वागत है, आप समंदर में से एक लोटा पानी चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है. मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था उस मरतबा, उस वक्त में मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा. I spent 6 crore rupees from my personal pocket, not M.L.C. fund, not from any government fund. और मैंने आज तक कभी इस बात को कभी बोला नहीं लोगों, क्योंकि मैंने उन्होंने दिया और मैंने ये अपनी मर्जी से लिया, तो मैंने किसी का एहसान नहीं किया.
लेकिन मेरा एक सपना था कि शहर के अंदर एक ऐसा सिंबल होना चाहिए कि अगर हम जीते जी साथ में हैं तो मरने के बाद भी साथ में हैं। और पूरे हिंदुस्तान में आप पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, हर स्टेट के लोग हैं यहाँ पर। आप मुझे एक मिसाल बता दीजिए कि आपको एक मिसाल ऐसी पूरे हिंदुस्तान में कहीं मिलेगी। साथ में जॉगर्स पार्क हमने बनाया, 8-8, 10-10 फुट का गड्ढा था। डॉक्टर अलका तरार यहाँ पर होंगे कहीं पे, उनको पता है वो शांति नगर में 85 onwards she is there। तो हमने किया, करके दिखाया। आज भले ठीक है सत्ता में जो रहते हैं वो नाम बदल देते हैं, नाम निकाल देते हैं, नाम खोल के निकाल देते हैं, मगर ताजमहल किसी ने बनाया, तकदीर बदलने से कोई शाहजहां को नहीं भूलने वाला, भूलेगा क्या? हम तो लोगों के दिल में बसते हैं, दिल में से नाम कैसे निकालेगा? डेमोक्रेसी है, सत्ता में जो आएगा अपनी चलाएगा, मगर लोगों के दिल में जो बसा है, क्योंकि हमने ये जो काम किया, हमारे में कहते हैं कि मरने के बाद में हमने फिक्स डिपॉजिट बनाया, सर्वधर्म समाभाव की हमने निशानी की, और अंतिम यात्रा के लिए सब लोगों के लिए हमने किया, ब्लड बैंक बनाया। पूरे शहर में एक ही ब्लड बैंक है, राजीव गांधी ब्लड बैंक, आपको मालूम है? कोई दूसरी ब्लड बैंक नहीं, एक ही म्युनिसिपल हॉस्पिटल है जो चल रहा है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। हफ्ते में एक बार मैं जाता हूँ, आते जाते गाड़ी रोकता हूँ, एक बार अंदर जाता हूँ। मैं भले कॉर्पोरेटर नहीं हूँ, M.L.C नहीं हूँ, जाता हूँ। 7 डायलिसिस की मशीन मैंने अपने M.L.C फंड से लगाई, 3,500 से 4,000 लोगों की डायलिसिस वहां पर होती है। उस अस्पताल से 40,000 लोगों को OPD की मेडिसिन मिलती है। गुलाम नबी आजाद हेल्थ मिनिस्टर थे, 2 करोड़ रुपए का फंड चाइल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर यूनिट के अंदर हमने लाया और नर्सिंग होम उसमें चलाया। इस शहर में 75,000 लोग स्लम्स में रहते हैं, वो गरीब लोगों की डिलीवरीज और मेटर्निटी केयर वहां से होती है। यहाँ पे मेरी डॉक्टर्स भी है। हेल्थ केयर में हेल्थ रिन्यूअल मिशन प्लान चला, रूरल हेल्थ रिन्यूअल मिशन प्लान चला, अर्बन हेल्थ रिन्यूअल मिशन प्लान चला, जिसमें आशा करके योजना चालू हुई। जो लेडी प्रेगनेंसी में होती है उसको डिलीवरी तक के केयर गवर्नमेंट करती है और वो आशा की लेडी मदद करती है। वो सारी योजना हमने मीरा भयंदर में लाई, केंद्र सरकार से 950 करोड़ रुपए हमने लाए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर फिर गुलाम नबी आजाद थे। ये कॉरपोरेशन डी कैटेगरी में थी, ये उसमें आ नहीं सकती थी JNMURM के अंदर, हमने फिर भी लाया। पृथ्वीराज चौहान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे, हमने फिर भी मीरा भयंदर को लाया, 950 करोड़ रुपए लाए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का काम करा। काम कंप्लीट हो गया है 2014 से, मगर आज तक के STP चालू नहीं की गई। क्यों नहीं चालू की गई? जो सत्ता में है उनसे ये सवाल पूछना चाहिए। आप सवाल गलत पूछते हो, खड्डे क्यों है, गड्ढे क्यों है, हक्कर क्यों है? अरे भाई ये पूछना चाहिए था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों चालू नहीं हुआ, आपने ये पूछना चाहिए था टावला का क्यों नहीं हटा। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि आरे के ट्रीज नहीं कटना चाहिए, सरकार रातों रात काट देती है, तब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी नहीं चलता। हम आपको ये याद आता है कि सरकार ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था इसके लिए हम टोल नहीं हटा सकते, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। जनता की आवाज से बड़ी कोई आवाज नहीं है। 5 साल केंद्र में इन्हीं की सरकार है। मीरा रोड लोकल की जरूरत आपको लगती है नहीं लगती? बताइए मुझे, किसको नहीं लगती? अगर लगती है तो बताइए, हम सबको मीरा रोड लोकल शुरू होना लगता है। डू यू एग्री? दैट इज माई एजेंडा एंड आई डोंट नीड टू बी इन पावर टू गेट दैट थिंग डन। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियर, आई नीड पब्लिक सपोर्ट। आई टोल्ड यू एट द फर्स्ट इंस्टेंस दैट आई वॉज नॉट इवन अ कॉर्पोरेटर व्हेन आई गॉट दिस ट्रेन्स वर्क डन एंड रेलवे वर्क डन। मैं यूथ कांग्रेस का लेटर भेजता था 89, 89, 90, 91 में, तो जनरल मैनेजर भाग के आता था, रेलवे पुलिस कमिश्नर भाग के आता था कि ये बच्चा पागल है, ये आंदोलन करता है, सीधा रेल रोको करता। मैं क्या करता था ये भी तुक्का बताता हूँ और आगे क्या करूँगा वो भी तुक्का बता देता हूँ। मैं वैसे ही से आदमी को कार्यकर्ता को भेज देता था। पहले हम यहाँ पे आंदोलन करते थे, पुलिस हमको स्टेशन नहीं जाने देती थी, वो ट्रेन में से 100 लड़के वसई से उतरते थे, ट्रेन के सामने बैठ जाते, ये पुलिस हमको रोके रहती थी, वहां ट्रेन रोका आंदोलन हो जाता। अब ये टोल का हटाने का भी तरीका मैं बता देता हूं आपको। दुनिया में जनता की आवाज के सामने किसी किसी राजा महाराजा की आवाज और सत्ताधारी की आवाज नहीं चल सकती। 500 गाड़ियां 50,000
से अधिक गाड़ियां इस शहर से टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स बॉम्बे रोज ट्रेवल करती है। यू एग्री? सिर्फ 500 गाड़ी इस तरफ और 500 गाड़ी इस तरफ। इस शहर के नागरिक मेरा साथ दीजिएगा, गाड़ी ले जाएंगे दोनों तरफ, लॉक करके चाबी लेके घर पे आके सो जाएंगे। यू एग्री? हाईवे बंद हो जाएगा, होगा हो जाएगा, नेशनल मीडिया कवर करेगा, सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। अरे ये सरकार कोई भी सरकार होगा तो कोर्ट को नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, जनता की आवाज को नहीं मानेगी। भले आज कोई भी कहता है कि मीडिया हमको कवरेज नहीं देता है, लेकिन मीडिया को भी टीआरपी लगती है, ऐसे आंदोलन को उसको कवर करना ही पड़ता है। तो ये मैं करने वाला हूं, आप मुझे वोट दो मत दो, आमदार बनाओ मत बनाओ, मैं ये करने वाला हूं और लोगों का साथ इसमें मांगता हूं। तीन बार कॉर्पोरेटर रह चुका हूं, डिप्टी मेयर रह चुका हूं, 9 साल विधान परिषद में रह चुका हूं असेंबली में, और मुझे मुझे गर्व है, मुझे भी गर्व है इस बात का कि मुझे राष्ट्रपति का अवार्ड मिला असेंबली में, ना कि हाईकोर्ट ने बोला कि इसके ऊपर FIR दाखिल है। और 35 साल के करियर में मैं, मेरा परिवार, मेरी मदर, हम पे एक धार, एक धप्पा, एक आरोप प्रत्यारोप नहीं है सार्वजनिक जीवन में। अगर आप में से किसी को लगता है कि आपके दाग धब्बा आरोप है, भ्रष्टाचार का हो, तकलीफ देने का हो, अतिक्रमण करने का हो, जमीन खाने का हो, किसी को सताने का हो, परेशान करने का हो, गुंडागर्दी करने का हो, दादागिरी करने का हो, मैंग्रोव काटने का हो, वेटलैंड बुझाने का हो, तो आप लोग बता दीजिए, मैं अपना नॉमिनेशन आज विड्रॉ कर दूंगा। एक आरोप बताइए शहर, 35 साल के जीवन में हमने जो भी जीवन में किया, सामाजिक क्षेत्र में किया, अपने मेहनत के पैसे का किया, मेहनत की कमाई का किया। मेरी भी संस्था चलती है, हॉस्पिटल चलता है, आज हमने मैनेजमेंट गोकार्ड को दिया है, जो साहब यहाँ थे उन्होंने हमारे अस्पताल और इंस्टीट्यूट पे आरोप प्रत्यारोप किया था, हमने डिफेमेशन सूट फाइल किया हाईकोर्ट 25 करोड़ का, इन्होंने दिए हुए वीडियोज एंड स्टेटमेंट इनको विड्रॉ करने पड़े, हाईकोर्ट में इनको कंडीशन दी है कि विल नॉट स्पीक सिंगल वर्ड अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। अगर मैं गलत होता तो हम ये काम नहीं किए होते। स्कूल हम चलाते हैं, आज भी हमारे स्कूल की फीस 500 रुपए, उर्दू मीडियम के स्कूल की फीस 50 रुपए। फिलंथ्रोफिक काम जो हम करते हैं अपने धन दौलत और अपने पर्सनल पैसे से, इस शहर के अंदर के टॉल का मुद्दा, रेलवे का मुद्दा, आपके ऊपर कचरे का डबल टैक्स लग गया है, पता है आप लोगों को? Are you aware? Yes. ये कंपोजिंग टैक्स आप पे लगा है, डबल टैक्स लगा है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का कोई कायदा नहीं है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2000, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। रात को उत्तन के अंदर 10 लाख मैट्रिक टन कचरा जो अनसाइंटिफिक पद्धति से डाला गया उसमें आग लगी। हरित लवाड़ा के अंदर केसेस चल रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी पे 80 करोड़ रुपए की पेनल्टी की बात वहां पर हुई। 5 साल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कोई काम नहीं किया गया, ड्रेनेज लाइन को जोड़ी नहीं गई। आप बताइए शहर में किया क्या गया? कोर्ट हमने बनाया, 5 साल से कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हुआ। पुलिस कमिश्नरेट का इलेक्शन आया है तो डिक्लेरेशन किया, आप मेरे पास आइए असेंबली के अंदर, कॉलिंग अटेंशन से लेके क्वेश्चंस आंसर्स का रिकॉर्ड मेरे पास है। पिछले 15 साल से हम परस्यू कर रहे थे और मेरा ये कहना था कि मीरा भयंदर को थाने पुलिस कमिश्नर से ऐड किया जाए, क्योंकि हमारी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट थाने है। सरकार ने आनंद फानंद में इलेक्शन के चलते हुए पालघर के साथ जोड़ दिया। अब क्या होगा कि आपका पुलिस कमिश्नरेट पालघर और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट थाने। This was not in line. This is not in line. मगर आनंद फानंद में कर दिया। मेट्रो, मैं तो मेट्रो में 9 बार सफर कर चुका हूं। जितने बार मुख्यमंत्री आए, उद्घाटन किया, नामकरण किया और इलेक्शन आया तो रस्ते पे बोर्ड लग गया कि मेट्रो का काम चालू हो गया। आप लोग की मालूमात के लिए बताता हूं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये एक जैपनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर के मनमोहन सिंह साहब ने योजना तैयार करी कि 1500 किलोमीटर इन लेंथ एंड 300 किलोमीटर इन विड्थ,
JNPT to Delhi, 1500 किलोमीटर लेंथ एंड 300 किलोमीटर विड्थ, जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स था, मेट्रोज हैं, रेलवेज हैं, कार्गोज हैं और जापानीज कंपनीज के एस्टैब्लिशमेंट्स इन 7 स्टेट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली, ताकि जापानीज कंपनीज को यहाँ पर प्रोडक्शन का काम करने मिले और वो अपना काम करे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। ये बुलेट ट्रेन भी वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम प्लान। मुंबई के अंदर का मेट्रो का प्लान इज वन ऑफ द सेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट प्लान। वी बॉट मोर देन 28,000 करोड़ ऑन अ वेरी नेग्लिजिबल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द जापानीज गवर्नमेंट। जापान आपको पता है हाई रिक्टर स्केल पे है, वॉल्केनिक कंट्री है, लिमिटेशन ऑफ ज्योग्राफी एंड लैंड है, मैन पावर का रिसोर्स कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड एवरीथिंग इज वेरी हाई, सो दे नीडेड एन अंडर डेवलप्ड नेशन टू सेल टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट एंड कॉम्पीट इन द वर्ल्ड। इंडिया सॉ दैट अपॉर्चुनिटी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सॉ दैट अपॉर्चुनिटी एंड वी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद जापानीज गवर्नमेंट टू डेवलप दिस DMICC which is called Delhi Mumbai Industrial Corridor. So nothing is new, everything was planned. So whatever metros you see of Mumbai, whether it is 9 phases or 7 phases, that is part of that DMIC. There is nothing new. The international airport, that was a part of that DMIC. Besides that, in 2006 and 7, because JNNURM had got its own limitation, so Vilasrao Deshmukh came out with another scheme to include C category and D category of municipal council. I was in the assembly as a member of council. Maharashtra Nagar Uttan Karyakram, Maharashtra Nagar Uttan Karyakram, और उस नगर उत्थान कार्यक्रम के अंदर क्या था, स्ट्रीट लाइट्स थी, कंक्रीट के रास्ते थे, कच्चे नालों को पक्का बनाना था, ये सारे काम थे। आपके शहर में अगर आप लोग प्रतिनिधि आपको रास्ता गिना रहे हैं तो ये उस योजना के अंतर्गत किए हुए जा रहे काम है। कोई चीज मैंने पहले कहा कि आपके हमारे परिवार को बच्चों को भी परवरिश देके बड़ा करने के लिए 25 साल की प्लानिंग करनी पड़ती है, तो हमने जो किया 35 साल में 25 साल की प्लानिंग की, मगर आज ये शहर कहीं रुक गया है, यहाँ का विकास रुक गया है, होर्डिंग लग रही है, हमें गर्व है, गर्व है, गर्व है, गर्व है, हर चीज का गर्व है। अच्छी बात है, अगर कोई काम करता है तो उसे गर्व महसूस होना चाहिए, मगर खुद को नहीं, लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए, पब्लिक को गर्व महसूस होना चाहिए। ये आपको नक्की करना है कि आपको गर्व महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस शहर की जरूरत जो है वो टॉल हटाने की जरूरत है, कम्युनिकेशन की जरूरत है, कोर्ट पंचुलेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट की जरूरत है। उनका मैनिफेस्टो बीजेपी का भी आपके पास पहले का भी होगा, नहीं होगा तो हम कॉपी भिजवा देंगे आपको। हमारा मैनिफेस्टो पिछले 35 साल का भी काम बताया है और अगले 5 साल में मैं क्या करना चाहता हूँ ये भी हमने बताया है। और मेरा मैनिफेस्टो संभाल के रखिएगा, मेरा मैनिफेस्टो संभाल के रखिएगा। मैं चुन के आने के बाद जब अगली बार आपके पास आऊंगा तो मेरा मैनिफेस्टो मुझे जरूर दिखाइएगा और मुझे मेरे मैनिफेस्टो में सवाल पूछिएगा कि हुसैन साहब आपने ये लिखा था, ये तो रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड है, रिटेश रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड, इस काम का क्या हुआ। अब ये सृष्टि के पास का नाला, मुख्यमंत्री साहब आए कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के टाइम, ये नाला बन जाएगा, बन गया क्या नाला, बना क्या नाला। तो ऐसे अगर मैं आपको पिटी स्मॉल एंड पिटी थिंग्स अगर शहर की गिनाते जाऊं तो आपको यहाँ पे सामने 6 बजे तक बैठना पड़ेगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज नॉट वर्थ इट। इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज माय एजेंडा, व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू, व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन, दैट इज इंपॉर्टेंट। माय प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड आई हैड ऑलरेडी मेंशन, ऑनलाइन डोमेन में आपके पास अभी हर उम्मीदवार की प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, क्रिसेस के बारे में ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन पे है, जाइए देख लीजिए किसने असेंबली में क्या कहा था, किसके ऊपर कितने केस है और डोमेन में अभी क्या लिखा हुआ है, कौन सी संपत्ति किसकी थी और आज डोमेन में क्या लिखा है, एफिडेविट में क्या लिखा है, एवरीथिंग इज रिकॉर्ड रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड। And you all people are quite learned and literate people. I cannot tell you and guide you more. I think I have made my point. If there is any point, one question is most welcome. Thank you so much. Jai Hind, Jai Maharashtra.